दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर दोस्तों आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक वीडियोस एडिटिंग कर सकते हो। और दोस्तों ये जो वेबसाइट है फ्री वेबसाइट है और इसके अंदर दोस्तों आप अपने वीडियोस को बहुत ही प्रोफेशनल लेवल तक एडिटिंग कर सकते हो। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों कौन सी है वो वेबसाइट और इस वेबसाइट के अंदर कैसे वीडियो एडिट करना है, मैं इस वीडियो पर आपको सब कुछ बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी ब्राउज़र ओपन करना है, जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करता हूँ तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। एंड दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको सर्च बार के ऊपर टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लिखना है clipchamp.com। आप लोग देख सकते हो clipchamp.com। तो clipchamp.com लिखने के बाद दोस्तों clipchamp.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पर नीचे रिकमेंड करेगा, जैसे कि देख सकते हो। तो आपको सिंपली दोस्तों clipchamp.com के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एंड दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कि देख सकते हो आप clipchamp.com का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्रिएट स्केलेबल टूल्स एक्सप्लोर लर्न प्राइसिंग अबाउट, तो आपको दोस्तों सिंपली टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते आप इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या काम कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिट कर सकते हो, वीडियो को कंप्रेस कर सकते हो, किसी भी वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हो और उसी के साथ यहाँ पर वेबकैम रिकॉर्ड भी कर सकते हो एंड स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से आ जाना है बैक। एंड दोस्तों बैक, तो बैक आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी ब्राउजर की 3 डॉट पर क्लिक करना है इस कॉर्नर पर, और यहाँ से दोस्तों सिंपली इसको डेस्कटॉप साइट कर लेना है, ठीक है। तो डेस्कटॉप साइट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर नीचे आपको आना है। एंड नीचे आने के बाद जैसे कि देख सकते हो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस, तो दोस्तों आपको सिंपली स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है। एंड दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड दोस्तों आपको इस वेबसाइट का जो मेन इंटरफेस है कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। वीडियो एडिटिंग के साथ साथ दोस्तों आप इस वेबसाइट से किसी भी स्टॉक फुटेज को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक हो गया, इसके अलावा दोस्तों कोई भी टेम्पलेट, इसके अलावा कॉल आउट, टेक्स्ट टाइटल, मतलब सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली उसे आप अपनी वीडियोस पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर कॉपीराइट फ्री फुटेज दिखाई दे रहा है, इसके अलावा यहाँ पर सार्स प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो इन सभी चीज़ें मिलता है। तो जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगा तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस साइट पे ध्यान से देखते हो तो जैसे कि देख सकते हो आपको टेम्पलेट लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वीडियोस का सेक्शन दिखाई दे रहा है, होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पर क्रिएट वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एंड दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का एक डैशबोर्ड आएगा, जैसे कि देख सकते हो, और जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एस्पेक्ट रेशियो, ये बोल रहा है सबसे पहले आप अपनी एस्पेक्ट रेशियो को चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से अपनी एस्पेक्ट रेशियो को चूज़ कर रही हूँ 16:9। तो अगर आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के लिए वीडियोज एडिट करना चाहते हो तो फिर आप 9:16 को चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सिंपली 16:9 को चूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों 16:9 चूज करने के बाद आपके सामने जैसे कि देख सकते हो वीडियो एडिट करने के लिए इस तरीके का आपको एक पेज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने वीडियोस को इंपोर्ट करने के लिए जैसे कि देख सकते हो आपको यहाँ पर वीडियोस इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर फ्रॉम योर कंप्यूटर और यहाँ पर पीसी वगैरह कुछ इस तरीके के है। अगर आप दोस्तों पीसी वगैरह पर वीडियोस एडिट करते हो तो दोस्तों आप इस वेबसाइट के अंदर बहुत ही आसानी से वीडियोस एडिट कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम दोस्तों इस तरीके के इंटरफेस देख रहे हो तो आपके लिए इसके अंदर वीडियोस एडिट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन दोस्तों तो इतना मुश्किल नहीं होगा। आप अगर आप इस वेबसाइट को चलाना शुरू कर दोगे तो दोस्तों आप इसके अंदर वीडियोस इजीली एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्राउजर फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि देख सकते हो। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो चूज एन एक्शन, तो यहाँ से आपको फाइल को चूज कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी वीडियोज को इनपुट कर लेना है, जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी वीडियो एडिट कर कोई भी वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ। एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं गूगल फोटोज़ को चूज़ कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ से मैं अपनी कोई भी एक वीडियोस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ से मैं वीडियोज़ को इंपोर्ट कर रही हूँ, जैसे कि देख सकते हो। तो सिंपली आपको वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है और इस राइट साइड के कॉर्नर पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका जो वीडियो है दोस्तों clipchamp.com के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि देख सकते हो, तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों इस कॉर्नर पे आपको आपकी वीडियोस दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ दोस्तों आप चाहो तो दूसरा क्लिप भी ऐड कर सकते हो, सेम ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद ब्राउज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यानी दोस्तों जितने भी क्लिप आपके पास है तो उन सभी क्लिप को आप एक एक करके इंपोर्ट कर लीजिएगा।
एक एक करके दोस्तों, या फिर आप चाहो तो मल्टीपल क्लिप एक के साथ इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मल्टीपल क्लिप आप किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये रहा, जैसे कि देख सकते हो मैंने अगेन वीडियोस को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद इस कॉर्नर पर डन के ऑप्शन पर क्लिक किया, और उसके बाद जैसे कि देख सकते हो हमारा जो सेकंड वीडियो वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों हमें इसी वीडियो को टाइमलाइन पर लेके आने के लिए सिंपली आपको अपनी वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है एंड दोस्तों प्लस के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो वीडियो है ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यह है दोस्तों आपको वीडियो एडिटिंग का टाइमलाइन। आप जो भी एडिट करोगे उन सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका जो सेकंड क्लिप है उसको भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। एंड जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर दो क्लिप एक साथ अटैच हो चुका है, यानी दोस्तों दोनों क्लिप जुड़ के एक वीडियोस हो चुका है। और दोस्तों ये बोल रहा है जैसे कि देख सकते हो क्लिक टू रिसाइज, तो इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप अपनी वीडियोस को रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको ऊपर में जैसे कि देख सकते हो लेआउट दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा है, फिल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कलर बैलेंस और यहाँ पर एडसेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ से ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन मिलता है जैसे कि देख सकते हो ऐड मीडिया, एंड दोस्तों सेकंड ऑप्शन मिलता है स्टॉक। तो स्टॉक के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप कोई भी स्टॉक इमेज फोटोज वीडियोस कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अपनी वीडियोस पर कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं होगा अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस एडिट करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है जैसे कि देख सकते हो मीडिया, एंड दोस्तों मीडिया के ठीक नीचे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे कि देख सकते हो। एंड दोस्तों टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बहुत ही कमाल के टेक्स्ट की टाइटल अपनी वीडियोस पर ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे टेक्स्ट की टाइटल दिया गया है। तो इनके यूज़ कैसे करना है दोस्तों, सिंपली आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका जो टेक्स्ट है जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। अब दोस्तों इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे ऊपर चला जाना है एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर योर हेडलाइन पर आपको अपनी जो भी टेक्स्ट है उसे लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है, के। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे की लाइन में लिख लेता हूँ प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैंने नीचे की लाइन पर प्रोडक्शन लिख लिया जैसे कि देख सकते हो, और आपको नीचे यहाँ पर डार्कर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके के फॉन्ट का नाम है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे फॉन्ट देखने के लिए मिलेगा जैसे कि देख सकते हो मॉन्स्ट्रेट। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी फॉन्ट चाहिए आप उसको अपनी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो एंड उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग टेक्स्ट की टाइटल आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो प्रीव्यू विंडो में देखने के लिए मिल रहा है। एंड इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर और भी चीज़ें मिलता है जो कि यहाँ पर दोस्तों मेरे लिए एडिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने कभी इस तरीके का इंटरफेस वीडियो एडिटिंग में देखा नहीं और मेरे पास कोई भी पीसी वगैरह नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपको समझाना। तो प्लीज़ यार माफ़ करना, हो सकता है गलत हो रहा है मेरे से। और यहाँ पर आपको ओवरले वगैरह बैकग्राउंड ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप कोई भी ट्रांजेक्शन अपनी वीडियोस पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो बहुत सारी ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है, तो इनमें से जो भी ट्रांजेक्शन आपको अच्छा लगता है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है। और उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है ओवरले, तो ओवरले के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो अपनी वीडियोस पर कोई भी ओवरले ऐड कर सकते हो, जो कि दोस्तों आपको वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही कम आपको इस टाइप के ओवरले देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों अगर आप ऊपर के साइड में देखते हो तो आपको यहाँ पर फिल्टर वगैरह, कलर बैलेंस, तो इन सभी चीज़ें दिखाई दे रहा है, तो आप चाहो तो अपनी वीडियोस पर कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग कलर फिल्टर देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपको कलर बैलेंस का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इनकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा फेड इन फेड आउट और अपनी वीडियो को स्लो मोशन कर सकते हो, ऑडियो यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपको इस वेबसाइट के अंदर वीडियोस एडिट करके आपको अच्छा लगा है तो आप दोस्तों आप चाहो तो इस वेबसाइट को अपग्रेड भी कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर बाय करना पड़ेगा, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो फिर भी अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियोस एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे कि देख सकते हो एक्सपोर्ट के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो तो दोस्तों 720p 1080p यहाँ पर पेड है, तो आप चाहो तो बाय कर सकते हो या फिर दोस्तों आप इसे डिफॉल्ट पर ही सेव कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो वीडियो यहाँ पर रेंडरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये रहा जैसे कि देख सकते हो हमारा जो वीडियो रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है एज यू कैन सी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वेबसाइट के अंदर वीडियोस एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे इस वेबसाइट के बारे में उतनी अच्छी तरीके से नहीं पता है, फिर भी दोस्तों मुझे जितना तक पता था इस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियोस अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड दोस्तों इस वेबसाइट के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं दोस्तों 100% कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो भी दोस्तों इसी वेबसाइट के ऊपर लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सच में ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।